हेलो एवरीवन, आयशर रेस्टोरेंट्स। तो कैसे हैं सभी लोग? एंड जस्ट बहुत सारी क्वारीज थी आयशर एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग स्टूडेंट की, तो चलिए देख लेते हैं। राइट सर, आयशर में बेसिकली आपको बता दूं कि तीन चैनल होते हैं एडमिशन लेने के लिए। एक IAT टेस्ट, SCB जिसको हम बोलते हैं स्टेट बोर्ड काउंसलिंग, ठीक है। देन एक जो है QPY चैनल होता है। देन एक जो हमारा JEE एडवांस चैनल होता है। तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयशर में जितनी भी सीटें फिल होती हैं, जो सीटें होती है वो ऑलमोस्ट 75% जो सीटें हैं वो IAT टेस्ट के द्वारा फिल की जाती है। उसके बाद JEE एडवांस और जो फ्यू जो सीटें बचती है वो QPY के थ्रू फिल की जाती है। राइट, अभी जो आपने सुना होगा कि जो है आयशर का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। अब आप जैसे ही वेबसाइट पे जाते हैं तो जस्ट वहाँ पे आप विजिट पोर्टल पे क्लिक करते हैं और जस्ट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। राइट, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी बच्चे आयशर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है अपनी सिंपल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपना कर देना है। सिंपल जो भी डिटेल्स है आपको वहाँ पे डाल देनी है। अब जैसे ही आप सिंपल अपनी सारी की सारी डिटेल्स डाल देते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको जस्ट एक पोर्टल शो होता है एंड पोर्टल के जस्ट साइड के अंदर आपको दिखाई देता है SCB चैनल। राइट, सो जस्ट अभी आपको सिर्फ SCB चैनल दिखाई दे रहा होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, भैया मेरे को तो QPY के थ्रू अप्लाई करना है, मेरे को तो JEE एडवांस के थ्रू अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो यार उसके लिए ना, जैसे आपको वहाँ पे SCB चैनल दिखाई दे रहा है, वैसे जैसे आप SCB पे क्लिक करते हो आपकी सारी की सारी डिटेल जो आपने पर्सनल वगैरह भरी है वो जो है उठा लेता है SCB वाला डायरेक्टली। वैसे ही आप अपनी सिंपल डिटेल डाल के रखो, वहाँ पे अभी SCB शो कर रहा है, तो जल्दी वहाँ पे जो है दो ऑप्शन इनेबल और हो जाएंगे उसके जो साइड में, और साइड में एक QPY के थ्रू हो जाएगा और एक JEE एडवांस के थ्रू हो जाएगा। जैसे ही QPY का भी रिजल्ट आता है, QPY का चैनल भी स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही JEE एडवांस का आता है, JEE एडवांस का भी चैनल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और अपडेट था रिगार्डिंग द चॉइसेस कि भैया हमको जो है कौन कौन से चॉइसेस लेने हैं, और जो है ये BSMS का क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या स्कोप है, हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यार इसके लिए ना हमारा स्पेशल मेंटर प्लान चल रहा है जिसके अंदर तुम जो है इनरोल कर सकते हो। अभी जो है 5 जून तक ये प्लान डिस्काउंट के अंदर चल रहा है, एंड जो जो है आपको इसका ओनली फॉर हाफ पेमेंट ही करना है। ठीक है, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है बिकॉज माई टीम इज़ फ्रॉम ऑल टीम फ्रॉम IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, IIT बॉम्बे, आयशर पुणे, आयशर मोहाली, ओके, एंड IISc बेंगलोर, एंड बहुत सारे जो है जॉब भी कर रहे हैं अभी, उनका प्लेसमेंट भी हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं दिस इज़ फ्रॉम द स्टडी अब्रॉड, आयशर से कम्प्लीट कोर्सेज भी कर चुके हैं। तो जो वो जो लोग हैं आपको बताएंगे कि आपने उन्होंने क्या किया था आयशर में। ठीक है, हाउ टू गेट एडमिशन तो आप सिंपली ले लेंगे, यूट्यूब से देख देख के ले लेंगे कि भैया मैंने यूट्यूब से देख के एडमिशन ले लिया। ठीक है, सिंपल जस्ट लाइक SCB में रैंक ला के। देन जस्ट मेन मोटिव क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या क्वारी आता है पेरेंट्स का कि जो है आयशर का स्कोप नहीं है, बेसिकली आयशर के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमारा जो फैमिली सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस है, सो जो है बेसिकली आयशर में कोर्स करने के बाद जॉब तो मिल जाएगी ना, और सिंपल जस्ट जो है इनकम निकाल सके, ठीक है, घर चला सके हमारा, जस्ट ऐसा हमें कुछ कोर्सेस करना है या फिर हम NIT में चले जाएँ। क्योंकि यार ऑलमोस्ट जो बच्चा आयशर के लिए क्वालिफाई होता है, अगर उसको एक अच्छा कोर्स आयशर में मिल पा रहा है, देन उसके फुल चांसेस है कि उसको जो है JEE के थ्रू एक अच्छे NIT में भी एडमिशन मिल जाए, या फिर एक जो IIT में भी हो जाए, या फिर अच्छे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजों में हो जाए। सो ऑलमोस्ट जो 99% जो पेरेंट्स की क्वारी की आती है कि हमें आयशर लेना चाहिए या फिर कोई अदर इंजीनियरिंग कॉलेज लेना चाहिए। अब आयशर के अंदर जस्ट आयशर भोपाल में 2 इंजीनियरिंग कोर्सेज भी वो दे रहा है, तो भैया उसका क्या स्कोप है, उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, हम जो BSMS कोर्स कर रहे हैं इसके अंदर कितना प्लेसमेंट होता है, या फिर आप जैसे बोल रहे हो कि स्टूडेंट प्लेसमेंट लेते ही नहीं है, तो क्या बेसिकली वहाँ पे प्लेसमेंट कंपनी जाती है, और अगर मैं प्लेसमेंट नहीं लेता हूँ देन मेरे को और फर्दर कितना पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, कितनी हमारी फीस लगेगी, एंड इंटर्नशिप कहाँ लगेगी, क्या सारा सीनियरियो रहने वाला है, मैं जैसे आयशर मोहाली में करूँगा तो क्या होगा, आयशर भोपाल में क्या होगा, आयशर पुणे में क्या होगा। सर जस्ट यू कैन एनरोल नाउ जस्ट मेंटर कोर्स, एंड जस्ट हमारी जो पूरी टीम है आपको जस्ट पूरा गाइड करेगी फुल
लास्ट एडमिशन तक। एंड अगर आपका एडमिशन नहीं होता है ठीक है, जस्ट लाइक योर मार्क्स के बेसिस पे अगर एडमिशन नहीं करा पाते हैं, देन ही विल ट्राई टू रिफंड योर अमाउंट एंड प्रोवाइड द एडमिशन इन अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जस्ट लाइक आई सर्च के लाइक कॉलेजेस। अब आपको मैं थोड़ी सी जस्ट बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से जो है कॉलेजेस कैसे कैसे टारगेट करने चाहिए आईसर वाले जितने भी हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्राई करो कि आपके पास अच्छा बेस्ट आईसर हो आपकी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। यानी कि जो बच्चा चंडीगढ़ में अभी रह रहा है, मोहाली में रह रहा है, तो यार उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आईसर मोहाली ही हो सकता है, राइट। अब जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जनरल वाइज बताता हूँ कि आपको कैसे टारगेट करना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि हम तिरुपति से हैं तो हमको तिरुपति ही चाहिए, तो यार जनरली वो एक गलत बात है, क्योंकि जस्ट जो है आप अपने बच्चे की डेस्टिनेशन के हिसाब से देख लेते हो कि भैया इसको कम चलना पड़ेगा, हम जाके वहाँ पे इसे मिल के आ जाएंगे आसानी से, तो यार ये आपकी गलत सोच है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं देन यू विल ट्राई योर बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर आपका जस्ट आप अगर जोधपुर है तो आप IIT जोधपुर थोड़ा ना लेंगे, अगर आप IIT बॉम्बे के लायक है तो IIT बॉम्बे ही लीजिए ना, राइट। सो जस्ट आपको ट्राई करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईसर पुणे ट्राई कीजिए, देन जो है आप आईसर कोलकाता ट्राई करिए, आईसर भोपाल या आईसर मोहाली ट्राई करिए, राइट। जस्ट आईसर तिरुवनंतपुरम, आईसर तिरुपति, आईसर बेरमपुर। अगर आपको लास्ट मतलब जस्ट लाइक ऐसे मिलता है कि भैया मेरे को तिरुपति मिल रहा है, तिरुवनंतपुरम मिल रहा है, राइट, सो फिर तुम आप जो अपनी लोकेशन के हिसाब से देख सकते हो कि भैया मैं चंडीगढ़ से हूँ या फिर हमारी बच्ची जा नहीं सकती। एंड अभी आपको इस जो चक्कर में नहीं फंसना है कि जस्ट ये एक लड़की है इसलिए हम इसको पुणे नहीं भेजेंगे, हम मोहाली के पास में रहते हैं इसलिए इसको मोहाली भेजेंगे, आप इस तो चक्कर में बिल्कुल ही ना रहे। अगर आप कोई पेरेंट्स हैं देन जस्ट आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, इट्स ओके, लेकिन जस्ट ही विल ट्राई फॉर एजुकेशन, तो जस्ट आप जो है अगर लायक है आपका बच्चा आपको लगता है देन जो आप आईसर पुणे ही फिल करें फर्स्ट चॉइस के अंदर, ठीक है। तो जस्ट जो है मेंटरशिप लिंक मैं आपको डाल दूंगा गूगल फॉर्म, आप जस्ट फिल कर देना एंड जो हमारी टीम जो भी है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड 5 तारीख तक जो है डिस्काउंट के अंदर चल रहा है फॉर्म, एंड जस्ट जो है 5 तारीख के बाद इसका प्राइजेस 9999 हो जाएगा, एंड अभी इसका ओनली फॉर आधा प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो जस्ट यू कैन एनरोल नाउ और खूब पढ़ते रहिए, और वी आर ऑलमोस्ट जो एडमिशन है दिस इज़ फ्रॉम IIT टेस्ट से ही होगा, और इस बार जो है अप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज क्योंकि जो है 75 जो क्राइटेरिया था 20% वाला, क्योंकि इतने साल क्या होता था कि ओनली फॉर 20% को ही सेलेक्ट किया जाता था ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट के बच्चे होते थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, इस बार 60% कर दिया गया, जो बिहार के जो बच्चे थे एंड या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, तो जस्ट आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। और यार JEE एडवांस और KQI वाले बच्चों के लिए क्या प्रोस्पेक्टस है, और जो भी आपके BSMS कोर्सेज हैं इसका क्या प्लेसमेंट स्कोप है, और जो भोपाल जो 2 इंजीनियरिंग कोर्सेज करवा रहा है उसके रिव्यू वीडियोज आपको इंजीनियरिंग वाला पे मिल जाएंगे, तो जस्ट आप इंजीनियरिंग वालों को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। थैंक यू।